हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 8 क्वाड्रेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई सा भी एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये जो फिगर बना है, वैसे तो ये है नहीं पैरेललोग्राम, क्योंकि फिगर से आप ये कहेंगे डायग्राम से कि भाई तो ये तो रेक्टेंगल बना के पहले से रखा, प्रूफ क्या करना है इसमें। तो आपको ये भी पता होगा कि एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है ना। तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए पैरेललोग्राम है। तो फिर क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगनल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। डायगनल्स मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इसके बाद हमको कह रहा है कि इसको प्रूफ करो कि एक रेक्टेंगल है। कह दिया ना प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल, तो पहले से ही बना लो रेक्टेंगल का डायग्राम, जिससे आपको भी आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ जैसे अब ये बताइए कि मान लीजिए ये तो पैरेललोग्राम ही अभी हमें दे रखा है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो ये बताइए कि अगर हमको पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, कोई पैरेललोग्राम हो उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, तुम क्या करेंगे। तो ये बताइए आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ याद हैं या नहीं। अगर आपको याद होगी तो आपको ये भी याद होगा कि इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसके एंगल्स, रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ना। तो बस सिंपली हम इस पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो पूरा काम हमारा ये रहने वाला है कि एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। प्रूफ देखिए ये ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। किस किस ट्रायंगल को, ए डी सी और बी सी डी लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी या बी सी डी, जो कुछ भी आपका मन करे। तो देखिए सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा हमारा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, रीज़न अभी लिखता हूँ, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर डी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक, डी सी इक्वल्स टू डी सी, देन ए सी इक्वल्स टू बी डी। अब रीज़न लिख देता हूँ, रीज़न लिख के और आपको बता भी देता हूँ कि होगा क्यों, ये तो आपका नहीं गिवन नहीं है। एक सेकेंड, ये है आपका अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इससे तो कुछ समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो बता दे रहा हूँ कि ये ए डी और बी सी पैरेललोग्राम दिया है ना, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं। तो बस सिंपली हमने वही लिखा है, फिर ये दोनों में डी सी कॉमन है और ये हमको गिवन ही है डायगनल्स की इक्वल है, तो सिंपली इसको भी लिख देते हैं। डी सी हमारा कॉमन है, दोनों में कॉमन है, फिर ये गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। देयरफोर हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया प्रूफ, देयरफोर ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी सी बी सी डी। किस रूल से हुआ है ये बताइए, एक बार इधर देख लीजिए, तीनों ये क्या है साइड्स ही तो हैं, तुम क्या लिखेंगे, साइड बाई एस 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 रूल, ठीक है। फिर अब सी पी सी टी से इक्वल क्या प्रूफ करेंगे, एंगल ही तो करेंगे, पर किस एंगल को करेंगे बताता हूँ। देखिए सब कुछ कर लिया, हमें एक एंगल किसी को भी 90 डिग्री का प्रूफ करना है, तो ये एंगल अगर करेंगे तो फिर इसको तो हम 90 डिग्री प्रूफ कर नहीं सकते, तो हम क्यों ना इसको अगर लें एंगल डी को
तो ये हम और इस वाले एंगल को, एंगल ए सी डी में एंगल डी को ले लेते हैं और एंगल बी बी सी डी में एंगल सी को ले लेते हैं, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो पहले हम इसको लिख दें एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी सी और बी सी डी, ठीक है, सी पी सी टी। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है अपने सुविधा के लिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और पूरा वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको जब आपने किया तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ दें, एंगल डी प्लस एंगल सी, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। हमको मिलेगा क्यों ये बताइए। अब देखिए एंगल डी और एंगल सी, ठीक है, ये अभी डायगनल्स आप भूल जाइए, ये बताइए, ये जब हमको पैरेललोग्राम दिया है तो ये और ये, मतलब ए डी और बी सी दोनों आपके पैरेलल साइड्स हैं, ये डी सी हमारा एक ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे तिरछे में दिया रहे, स्ट्रेट भी दिया रह सकता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गया। तो हमने एक पढ़ा है कि जो है हमारे जो ट्रांस ए पैरेलल साइड का जो ट्रांसवर्सल होता है, दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल पे एक ही साइड में जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है हमेशा, किसी भी हालत में वो 180 डिग्री के ही होंगे किसी भी हालत में। तो सिंपली हम यहीं पर ये लिख देंगे दे आर को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिमाग की घंटी बजी क्यों लिखें, बिकॉज एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी पीछे ही तो प्रूव किया था, तो हमारा टू एंगल डी हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, एंगल डी में से टू एंगल डी से टू हमारा इस साइड आया, कटा 90 आया, सॉल्व हो गया एंगल डी इक्वल्स टू 90, देयरफोर देयरफोर पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हो गया ना, क्योंकि हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।